रांची जिले के सोनाहातू राहे इलाके में लगातार हाथियों के झुंड के कारण आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। 20-25 बड़े छोटे हाथियों का झुंड एक साथ सोनाहातू राहे के पहाड़ी इलाके में विचरण कर रहा है। बड़ी संख्या में हाथियों के झुंड को देखने के लिए 3-4 गांव के ग्रामीण जुटे हैं और हाथियों को दूर से भगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में हाथियों का दल ग्रामीण इलाकों में विचरण कर रहा है और खेत में लगे फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। खेत खलियान में लगे फसलों को हाथी तुरंत चट कर जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी जान का भी डर सता रहा है। हम लोग के यहाँ करीब 20-25 की संख्या में हाथी आए हुए हैं और अभी चिरोड़ी पहाड़ में हम लोग हैं और उसको देखने के लिए तीन चार गांव के आदमी जुटे हुए हैं। हम लोग डरे सहमे हुए हैं, रात को किधर जाएगा, हम लोग का धान उन सब बाहर है खलिहान में। ग्रामीण लगातार दिन रात दहशत में जी रहे हैं। वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी वे मौन हैं। शायद उन्हें किसी बड़ी घटना का इंतजार है। ऐसे में लोगों को खेत खलिहान में काम करने के साथ साथ जीना दुभर हो गया है। गांव के लोग दहशत में हैं, आज महीनों से लोग परेशान हैं। कुछ दिन पहले से हमारा इचातू ये सब एरिया प्रभावित था, तोड़ांग कोटाब ये सब जो प्रभावित क्षेत्र है उधर परेशान था लोग। अभी हमारा राहे एरिया में चारों बगल से घिरा हुआ है। कल परसों ग्वाली में हुआ, काफी किसान लोगों का क्षति पहुंचाया है। आज बेला में तो चैनपुर में ये सब जगह में लोग काफी दहशत में है और वन विभाग की सरासर लापरवाही है। न किसी को मुआवजा मिल रहा है, न इसको भगाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी तरह का कोई मदद किसी को नहीं मिला है, न मिलने जा रहा है। अभी तक कोई संकेत उधर से नहीं आया है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन किसी का सुनवाई हो तब ना। सबरंग समाचार के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट।